Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं एलजीए तेजस के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ये खबर एलजीए तेजस की तरफ से आ रही है, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु फैसिलिटी में एलजीए तेजस के SP-15 ने अपना पहला फ्लाइट लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, SP-15 जो कि फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन को ज्वाइन करने वाला है, उसने अपनी पहली उड़ान भरी है। जैसा कि हमने लास्ट वीक ही रिपोर्ट किया था कि SP-16 ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी, और वो हमने रिपोर्ट किया था 12 मार्च को, और ये 10 दिन के अंदर ही दूसरा फर्स्ट फ्लाइट। ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि हेल ने तेजस को लेकर कुछ पेस जरूर पकड़ी है। अब तो SP-15 ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली है 22 मार्च को। इसके कैप्टन थे KK वेणुगोपाल, और इस एयरक्राफ्ट को तकरीबन 28 से 29 मिनट तक उड़ाया गया है। जैसा कि आपको बता दूं, SP-15 या फिर LA-5015 एक IOC लेवल का एयरक्राफ्ट है, जो कि सिंगल सीट IOC लेवल के एयरक्राफ्ट में लास्ट फाइटर जेट है। इसके बाद अब बाकी जो बच गए हैं वो 4 ट्रेनर्स बच गए हैं IOC लेवल के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है। और हेल ने अपने डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही, जैसा कि उन्होंने मार्च में ही ये डेडलाइन रखी थी कि सारे IOC लेवल के तेजस डिलीवर हो जाएंगे, तो वो कंप्लीट कर दिया है। अब वो FOC लेवल के तेजस मैन्युफैक्चर करने में लगने वाले हैं, और ये IOC लेवल के तेजस IAF के 45th स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। और हेल ने ऐसी आशा जताई है कि वो 2021 के मार्च तक जो भी 8 IOC और FOC लेवल के ट्रेनर्स हैं उनको डिलीवर कर देगी। जैसा कि आपको बता दूं, हेल एक्सपेक्ट कर रही है कि इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ IAF MK-1AK-83 तेजस मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दे, ताकि इस वेरिएंट पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, क्योंकि इसकी भी डेडलाइन जब से इसका काम स्टार्ट होगा उसके 3 साल बाद की है। आशा करते हैं हेल इसी पेस से एलजी तेजस को जल्द से जल्द मैन्युफैक्चर करे, और जो 25 तेजस पर ईयर मैन्युफैक्चर करने की सोच है उसको अचीव करे। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज लैंग्क्विन इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन लीमा से आ रही है, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक मास्टर स्ट्रोक्स खेला है। तो जी हां दोस्तों, इस लीमा एग्जीबिशन में हेल ने एलसीए तेजस का एक पोस्टर लगाया था, और उसमें ऐसा इंडिकेट किया गया है कि अगर मलेशिया तेजस को सेलेक्ट करता है तो तेजस का इंटीग्रेशन ब्रह्मोस एनजी के साथ किया जाएगा, जो कि इस पोस्टर में डिपिक्ट किया गया था एलसीए तेजस को ब्रह्मोस एनजी के साथ। और ये साफ साफ संकेत करता है कि अगर HAL ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट जीतता है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए, जो कि तकरीबन 24 फाइटर हैं और 12 ट्रेनर हैं, तो HAL ये अश्योर करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉम्बो के साथ रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को दिया जाए, जो कि ब्रह्मोस एनजी का होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस एनजी जिसकी स्पीड तकरीबन 3.5 मार्क है, जो कि एक इम्प्रूव्ड स्पीड है कि ओरिजिनल ब्रह्मोस एयर लॉन्च के कंपेयर में, इसकी रेंज भी तकरीबन 290 किलोमीटर प्लस है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एलसीए तेजस से ब्रह्मोस एनजी का जो डिप्लॉयमेंट है, उसकी जो टेस्टिंग और ट्रायल्स हैं, वो नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि ऐसी उम्मीद है कि 2024 तक ब्रह्मोस एनजी को तेजस पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, और तेजस कम से कम 2 ब्रह्मोस ले जाने में सक्षम होगा अपने साथ। और अब जब ये कॉम्बो इस एग्जीबिशन में रख दिया गया है, जो हेल और तेजस की दावेदारी और मजबूत करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। तो आज की तीसरी डिफेंस न्यूज भी ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेके है। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर चिली से आ रही है, जहाँ पे चिली आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया से ये निवेदन किया है और इंटरेस्ट जताया है इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल में, और वो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, और जिसके लिए ऑलरेडी ब्रह्मोस जो JV कंपनी है वो चिली के सेल कंपनीज में रजिस्टर हो चुकी है। तो चिली में एक ऐसा रूल है कि अगर आपको वहाँ की मिलिट्री को कोई भी वेपन बेचना है, तो आपको वहाँ के तीनों सर्विस के साथ आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है। तो वो काम ये ब्रह्मोस के जॉइंट वेंचर ने कर लिया है वहाँ पे। तो टेक्निकली ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट चिली में अब पॉसिबल है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, चिली ने ब्रह्मोस में अपना इंटरेस्ट तब दिखाया था जब ब्रह्मोस को Sukhoi-Su-30 MKI से टेस्ट किया गया था। उसके बाद चिली ये चाहता है कि वो ब्रह्मोस का सी वर्जन, जो कि शिप वर्जन होगा, और एयर लॉन्च वर्जन दोनों को प्रोक्योर करे। और इसके लिए अभी नेक्स्ट मंथ ही इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद चिली का दौरा करेंगे, और उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्कशन होगा वो ब्रह्मोस के सेल को लेके होगा। जैसा कि आपको बता दूं, ब्रह्मोस एनजी के सेल को लेके भी चिली ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और इस प्रोजेक्ट के लो बजट होने की वजह से लैटिन अमेरिका रीजन में जितनी कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्राज़ील, वेनेजुएला, इन सब ने ब्रह्मोस में कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट जताया है। तो ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट और मार्केटिंग को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में इतना ही। वीडियो पसंद आई, गिव अस अ लाइक। Don't forget to subscribe. Jai Hind.